गुड इवनिंग गाइस, आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं हो ची मिन्ह सिटी हॉप एंड हॉप ऑफ बस में। अभी मैं एक यानी मेरे होटल के करीब डिस्ट्रिक्ट वन में ही है, बस डिपो है, यहाँ पे आया हूँ इंक्वायरी करने के लिए कि कहाँ से बस मिलेगी वो हॉप एंड हॉप ऑफ। एक्चुअली मेरे सामने से एक गई, पर उसको कैसे रिजर्व करना है वगैरह उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा भी फर्स्ट टाइम है हॉप एंड हॉप ऑफ बस में सिटी एक्सप्लोर करना, तो देखते हैं। अभी मैंने वहाँ पूछा पीछे, तो उन्होंने कहा वहाँ एक ऑफिस है, वहाँ जाके इंक्वायरी कर लो। तो अभी वहाँ जाता हूँ, पहले इंक्वायरी करता हूँ अभी, और फिर आपसे को भी बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये मिलेगी कैसे। अभी उसने मुझे बाहर भेज दिया कुछ 187 करके, यू बाई टिकट करके बोली, और ये बोला कि बाहर वो साइड से जाओ। अभी यहाँ का कोई लैंग्वेज पता नहीं चलता, और इनको कुछ इंग्लिश भी इनका एकदम ही माशाल्लाह कुछ समझ में नहीं आता, और इनको भी हमारा लैंग्वेज नहीं समझ में आता। गूगल ट्रांसलेट भी करेंगे तो कुछ थोड़ा अलग ही लिख के देते हैं, जो आता है इंग्लिश में वो कुछ अलग ही रहता है। तो अभी 187 बोली है बाहर जाके देखो, ये कुछ ये डिपो है अंदर, ये यहाँ से बाहर 187। अभी ढूंढता हूँ कि कहाँ है ये भाई 187, और बाकी कुछ शाम तो वैसे ही है। अभी सब लाइटिंग वगैरह लग चुकी है, और अभी मैं लेफ्ट में पहले मैं ढूंढ लेता हूँ कि कहाँ ये क्या बोल रही थी 187 वगैरह, ये हॉप एंड हॉप ऑफ बस कहाँ मिलेगी। अभी बस डिपो में ही पता नहीं है, तो बाहर के लोगों को पूछ के भी मतलब नहीं है, पर क्या करना है, ट्राई तो करना पड़ेगा। अभी किसी से पूछ के तो कुछ मतलब नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं जैसे मैप में लगा दिया है एक डिस्ट्रिक्ट वन का हॉप एंड हॉप ऑफ का स्टॉप दिखा रहा है, यानी दिखा रहा है गूगल पे। अभी उसको ही पकड़ के मैं अभी चल रहा हूँ वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ एग्जैक्टली क्या सीन है। हॉप एंड हॉप ऑफ बस मतलब कहीं से भी आप पकड़ सकते हो और कहीं पे भी उतर सकते हो, इतना तो मुझे अंदाज़ा है। कुछ 22 मिनट्स वॉकिंग बता रहा है, 1.5 किलोमीटर के आसपास रहेगा, तो ठीक है चलते हैं। शाम का समय है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है धूप वगैरह की। हाँ, पर एक है कि यहाँ पे बारिश है, हो ची मिन्ह में बारिश है, बारिश सुबह भी थी इसलिए सुबह नहीं कर पाया, तो सोचा शाम को कर लेता हूँ। अभी बारिश कम है, पर थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही है, यहाँ पे बूंदें गिर रही है, तो अभी चलते हैं। होप कि हम लोग वो हॉप एंड हॉप ऑफ में बस में बैठ जाओ और बारिश ना शुरू हो जाए। अभी पहुँचा हूँ एक चौराहे पे, 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ पे एक हॉप एंड हॉप ऑफ बस सामने मुझे दिख रही है। सामने पूरा अंधेरा है, इस चौराहे पे क्रॉस कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। एक ये मदर मेरी है या कौन है, रात के अंधेरे में आपको पॉसिबल है क्या, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा मुझे पता नहीं, पर अभी सामने तो बस दिख रही है। जाके इंक्वायरी करता हूँ, अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैसे धीरे धीरे धीमी धीमी बारिश हो रही है, पर देखते हैं टिकट क्या है, क्या कैसा है, क्या हिसाब किताब है इसका, जाके देखता हूँ पहले। ये सामने है बस, भाई दरवाज़ा बंद हो जाए। ओके, तो बस में चढ़ गया हूँ अभी और टिकट निकाल ली है, और ये मैं अकेला ही पूरे बस में हूँ अभी। शायद लोग चढ़ेंगे धीरे धीरे, सारी वो गीली हो गई है, बारिश है धीमी धीमी। ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, तो टिकट के बारे में ये है कि आप बस में भी टिकट खरीद सकते हो, जो एक साइट है गो ओपन हॉप ऑफ की नीचे मिलता है, तो मैं आपको बताता हूँ।
तो वहाँ पे भी आप खरीद सकते हो। सारा सीट गीला है। तो टिकट का प्राइस इसका 1,50,000 डोंग हुआ रुपीज़ जो इंडियन में, आप पकड़ लो 1 लाख मतलब 340 रुपये, और 50 मतलब उसके आधे 150 यानी 500 रुपये के करीब हो गए, 500 400, 450 आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है जो भी है, अभी हम मैं आपको एक सिटी व्यू दिखा रहा हूँ। आगे बैठे या पीछे बैठे, कहाँ बैठे पूछ सीट गीला है, हैं। एक बार बैठ जाते ऑटोमेटिकली आप मेरे कपड़ों से सूख जाएगा। सो स्टार्ट हो गया सिटी टूर। अभी देखते हैं कौन से लोकेशन पे लेके जाता है। अभी लोकेशन के नाम मुझे पता नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, तो जो भी अच्छा जो लोकेशन दिखेगा तो मैं उसको वो आपको दिखा दूँगा। फिर जब वीडियो आएगा तो मैं उसका नाम नीचे डाल दूँगा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिटी एंजॉय करो, और रात में तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, क्योंकि ये जो लाइट्स वगैरह है ये सारे जल जाते हैं, तो और देखने में मज़ा आता है। ये भी कोई हेरिटेज होगा मतलब टूरिस्ट स्पॉट होगा, जो भी उसके नाम होते हैं, शायद से ये पोस्ट ऑफिस है, जो भी नाम है उसके वो मैं डाल दूंगा। ओए ओए ओए, झाड़ झाड़ झाड़, मेरे पूरे पीछे से कपड़े गीले होने वाले हैं क्योंकि बारिश से सीटें गीली है। ठीक है चलेगा, बाद में सूख जाएगा, ऐसे कोई गंदा गंदा बस नहीं है, बहुत ही क्लीन बस है, बारिश का ही पानी है तो कोई इश्यूज नहीं। हाँ अगर आप चाहते हो तो नीचे एसी भी है, यानी नीचे का जो बेस का पार्ट है, ये मैं अपर डेक पे आया हूँ, ये डबल डेकर बस है, तो नीचे आप एसी में बैठना चाहो तो दोपहर के वक्त एसी में बैठ के भी जा सकते हो। पर सिटी व्यू लेना है तो मेरे ख्याल से शाम का वक्त ही बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जी फाड़ गर्मी पड़ती है, तो और सुबह तो आज बारिश थी तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप व्यूज़ एंजॉय कीजिए, उसके साथ मैं आपसे बात करूँगा। तो वक्त है ये मुझे बेस्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे हवा भी आ रही है और गर्मी भी कम है, और सारे लाइट्स वगैरह जो सिटी का व्यू आ रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल आ रहा है। दैट बस ओके नाउ इन्होंने मुझे बस चेंज करने के लिए कहा है, अभी दूसरे बस में जाके बैठा। हाँ तो वो क्या कह रहा था, जो डिस्प्ले लगा हुआ है, जो डिस्प्ले लगा हुआ है तो उसमें आप एयरफोन ईयरफोन डाल डाल दोगे तो आपका पूरा जो भी है दिस बस। हाँ तो पूरा आपको इस सिटी के बारे में नॉलेज मिलता रहेगा रहेगा। क्या क्या है। नो नो आई हैव ऑलरेडी हैव टिकट, आई टुक देयर। हां तो गुड टिकट điện trở về hả? Cú điện qua. Đi. Về đi kiếm chỗ đậu nữa nè. Thank you. Thank you. Vô bây giờ này. So, अभी इसके डबल से पैंट गीला कर दिया, अभी यहाँ जाके गीला करते। पीपल आर ऑलरेडी सिटिंग। ओके तो हम लोग जरा जाके आगे बैठ जाते हैं, तो आगे से व्यू लेना। तो ये कुछ है, ये रेक्स होटल है, रेक्स होटल के पास पास आप रेक्स होटल डाल दोगे तो उसी के पास है कुछ, ये रेक्स होटल के पास आपको ये मिल जाएगा।
हाँ, तो मैं इसके बारे में कह रहा था, इसके बारे में, ये उस बस में बंद था, यहाँ पे क्रॉस मार्क आ रहा था, तो अभी इस बस में शुरू है। ये नीचे आप देखोगे यहाँ पे ईयरफोन के लिए जैक दिया है इन्होंने, ईयरफोन का जैक है, ठीक है। और ये वॉल्यूम अप डाउन, और ये चैनल, इससे आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके, ये जो सिटी टूर चल रहा है, एक मिनट, ये जो सिटी टूर चल रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी कि कौन से लोग अभी कौन से टूरिस्ट स्पॉट पे हम लोग हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। तो ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, ये जो दिख रहा है ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, और हम लोगों ने यहाँ से बस यही लोकेशन से बस पकड़ा था। वो जो मदर मेरी का स्टैचू है, यहीं से मैंने बस पकड़ा था, और उसी के सामने ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ का वियतनाम पोस्ट ऑफिस। तो अभी आगे जा रही है, तो ये सारे जो स्पॉट्स है वो घुमाएगी, पर मुझे थोड़ा टिकट इसका ज़्यादा लगा, 500-550 रुपये ज़रा ज़्यादा है। देखते हैं पर कितनी देर घुमाती है और क्या क्या, क्योंकि वैसे भी चल के हनोई का, अगर आपने मेरा वीडियोस देखा होगा तो मैंने पूरा चल के एक आधा दिन आधा एक दिन में कंप्लीट किया था, जो सिटी टूर है, यानी जो सिटी में आसपास के जो टूरिस्ट स्पॉट है तो वो मैंने कवर किए थे चल के। तो ऐसे ही कुछ अभी ये बस में अभी देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, वर्थ है कि नहीं पैसा देना। हाँ, अगर आपको शाम को कर रहे हो तो ये नाइट व्यू देख के आप खुश हो जाओगे। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, अगर बारिश नहीं होती तो और थोड़ा अच्छा माहौल होता। ये देखिए, ये कुछ इंटरनेशनल ब्रांड है कोई, डायमंड प्लाजा बिल्डिंग का नाम। अभी ये बस में बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मुंबई में रहता हूँ, यानी मेरा जो मैं बर्थ यानी जन्म मेरा मुंबई में हुआ है, पर मैंने कभी वहाँ जाके ऐसे हॉप ऑफ बस मुंबई में भी है जो पूरा सिटी का टूर कराती है, मुंबई दर्शन वगैरह, कभी मैंने वहाँ गया नहीं। और एक ऐसे शहर में आके मैं एक बस में बैठा हूँ और उनकी सिटी घूम रहा हूँ, नॉर्मल वो चीज़ दिखा रहे हैं जिनके, यानी जो इनकी हिस्ट्री में जो जो लोकेशंस या बिल्डिंग्स वगैरह जिन चीज़ों का इम्पोर्टेंस है वो सारे घुमा रहे हैं। वैसे मुंबई में भी बहुत सारी है, तो अभी मुझे ऐसा एहसास हुआ, यानी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि क्यों ना कभी मुंबई दर्शन ऐसे बैठ के बस में किया जाए, देखते कभी पॉसिबल होता है। क्योंकि जब मुंबई में जाते हैं तो वहाँ की लाइफ बहुत ही फास्ट होती है, देखते हैं जब भी मौका मिलेगा तो ज़रूर बनाएंगे। क्या लगता है आपको कि मुंबई के दर्शन का वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं ज़रूर बना दूँगा। ये जो टूर है बस का, ये एक्चुअली एक सिटी टूर है, तो ऐसे कोई है नहीं कि ये सिर्फ आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन ही दिखाने वाला है, ये पूरा आपको सिटी टूर करा रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये आपको सिटी टूर करा रहा है। अभी ये हमें लेके आया है एक स्ट्रीट पे, ये स्ट्रीट पे हार्डवेयर की दुकान है, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर, आईटी रिलेटेड जो भी हार्डवेयर के दुकान होते हैं
वो सारे दुकानों की इन्फॉर्मेशन की, ये स्ट्रीट पे ही है सब, सेकेंड हैंड से लेके नया कंप्यूटर हार्डवेयर सब यहाँ पे मिलता है। तो ऐसे ही ये हमें अलग अलग रास्तों पे पूरा शहर घुमा रहा है बस में। तो यही एक्सपीरियंस है, शायद से यही सब कुछ होगा ये बस में। तो आप कुछ बीच में इंटरेस्टिंग अगर इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं आपको दूंगा, तब तक आप व्यूज़ एंजॉय कीजिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये हमारे होटल के पास से गुजर रही है। अभी ये जो सामने आप स्ट्रीट देख रहे हो, ये यहाँ यही स्ट्रीट पे सीधे अगर आप आगे जाओगे तो मेरा होटल पड़ता है। और यही ये टीपी बैंक है, ये सामने गार्डन है, ये गार्डन सब जगह पे है ऐसे। और ये अभी मेरे होटल के पास से गुजरेगी, ये सर्कल के बाद मेरा होटल। तो ये इसके पीछे वॉकिंग स्ट्रीट है, और यहाँ पे ही ज़्यादा करके सारे जो नाइट लाइफ है यही एरिया में। बाकी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग तो हो नहीं रहा है, बस में बैठा हूँ मैं, जा रही है पूरी सिटी का टूर करा रही है। अभी देखते हैं ये जो पीछे रोड जा रहा है, ये जो पीछे रोड गया वही अपना वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ जाता है। सो कंप्लीट हो गया ये टूर, अभी हम लोग वही उतर रहे हैं जहाँ से चढ़े थे। तो ये कुछ अंदर से ऐसा बस है, नीचे का एसी कंपार्टमेंट। तो अभी यहाँ उतरे हैं जहाँ से चढ़े थे, रेक्स होटल के पास। एक्चुअली सीन है ये कि ये जो रेक्स होटल है, रेक्स होटल आपको सामने दिख रहा है, ये जो रेक्स होटल है इसके सामने ही ये पूरा हॉप एंड हॉप ऑफ बसेस, हॉप एंड हॉप ऑफ बसेस का स्टॉप है। यही से आपको मिल जाएगा, और बस में ही टिकट मिल जाएगी आपको। बस का टिकट है 150 जैसे मैंने बताया, उसी के सामने। और ये बस, ये जो टूर है वो एक्चुअली पूरा सिटी का टूर है, यानी कौन से एरिया में अच्छे का हार्डवेयर मिलता है या कंप्यूटर पार्ट्स मिलते हैं, नाइट लाइफ कौन से एरिया में है, बाद में अलग अलग जो जो जैसे अपने सिटी में होता है कि अलग अलग एरिया में, जैसे मैं मुंबई से हूँ तो मुंबई में लैमिंगटन रोड है, वहाँ कंप्यूटर का सामान अच्छा मिलता है। ओपेरा हाउस है, वहाँ गाड़ियों का सामान मिलता है। गेटवे ऑफ इंडिया है जो टूरिस्ट स्पॉट है। ऐसे अलग अलग जैसे रहते हैं, वैसे ही ये सिटी टूर था, पूरा सिटी घुमा के स्पीकर पे ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो इंटरेस्टिंग है, पर जैसे मैं सोलो ट्रैवलर हूँ तो मुझे ये वेस्ट ऑफ मनी लगा कि 515 रुपये इंडियन रुपये के हिसाब से यहाँ पे खर्च करना ये हॉप एंड हॉप ऑफ बस में। पर क्या करें, एक एक्सपीरियंस लेना था इसलिए मैं चला गया। सो अभी आ गया हूँ। हाँ, अगर आप भी इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ हो और उनको पूरा सिटी कैसा है और घुमाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। बच्चे हैं आपके साथ तो आप जा सकते हो इसमें, क्योंकि उनको चल के घुमाने से अच्छा बस में घुमा देंगे, तो आप वो कर सकते हो।